नमस्कार दोस्तों, डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है। काफ़ी सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हम एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं तो हमारे लिए वेबसाइट कितनी ज़रूरी है। वेबसाइट अगर आप देखें तो दो तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। यदि आपका सिर्फ इतना सा लक्ष्य है कि कोई गूगल पे जब आपको सर्च करे आपके बिजनेस के नाम से, तो एक डोमेन जो है वो आपका खरीदा हुआ आपके नाम से होना चाहिए, जो दुनिया में दूसरा ना ले सके, और उसके ऊपर आपको सिर्फ एक स्टैटिक डेटा ही दिखाना है जो कि निरंतर चेंज नहीं होता। कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो संपर्क कर सके। उस स्थिति में आप एक स्टैटिक वेबसाइट पे जा सकते हैं जो कम खर्चीली होती है और तेज़ चलती है, क्योंकि डेटा का लोड उसमें कम होता है और वो आपको एक इमेज दे सकती है, ऑनलाइन अच्छी इमेज आपकी बना सकती है। तो वहाँ पर एक स्टैटिक वेबसाइट जो कि नॉर्मली 8-10 हज़ार रुपये में बन जाती है, वो आपके लिए फ्रूटफुल है। अगर आपको लगता है कि वेबसाइट आपके बिजनेस में कुछ बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करनी चाहिए और आपको बिजनेस लाके देने वाला ट्रैफिक जनरेट करनी चाहिए, तो उस स्थिति में आप 40-50 हज़ार रुपये का बजट मान के चलें। उसके बगैर आप जो भी कम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको पूरा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि वेबसाइट जो होती है वो एक चीज़ होती है, वो दिखती कैसी है, दिखती कैसी वो भी मायने रखता है, लेकिन वो डिज़ाइन का पार्ट है। फिर उसके बाद में उसके ऊपर इतना ज़्यादा काम करना होता है कि वो गूगल की सर्चिंग में आ जाए, तो सर्चिंग में जब कोई चीज़ आए तो उसके लिए जो वर्किंग की जाती है वो कॉस्टली होती है। तो वेबसाइट कैसी दिख रही है ये उसके सस्ते या महंगे होने पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन वो कैसे वर्क कर रही है आपके बिजनेस के लिए, इसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो कितना पैसा आपसे एक बार की लेके जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई ऑनलाइन आपका काम ऐसा है कि वो रिजल्ट दे सकता है आपको ट्रैफिक लाने के बाद में, तो ट्रैफिक लाने के लिए जो खर्चा लगता है वो आपको अगर करना है तो बजट आप 40-50 हज़ार मान के चलें, तभी आपकी वेबसाइट आपको रिजल्ट ला के दे पाएगी। अच्छा, इन दोनों के बीच में भी एक रास्ता है तीसरा। वो तीसरा रास्ता क्या है कि आप स्टैटिक वेबसाइट बनाएं तो वहाँ तो खाली आपको एक खुश होने वाली बात है कि भाई हमारी वेबसाइट अच्छी डिज़ाइन की बनी हुई है, बराबर तेज़ गति से खुल जाती है, तो ठीक है, वो खाली आपका एक स्टैंडर्ड शो करने के लिए है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको 10-12 हज़ार 15 हज़ार में रिजल्ट भी चाहिए, तो फिर इसके लिए गूगल का भी एक समाधान है जिसे हम बोलते हैं बिजनेस लिस्टिंग। धीरे धीरे करके गूगल ने क्या किया है कि अपनी बिजनेस लिस्टिंग के माध्यम से एक अच्छी वेबसाइट वाली सारी खूबियां आपको वहां दे दी है। तो अगर आप बिजनेस लिस्टिंग को भी स्ट्रॉन्ग बना के चलें तो वो आपकी वेबसाइट का काम कर सकती है और आपको अच्छा रिजल्ट और ट्रैफिक भी ला के दे सकती है। कहने के लिए वो गूगल की बिजनेस लिस्टिंग ही रहेगी, लेकिन जब भी सर्च रिजल्ट में ऊपर लाने की बात आएगी तो गूगल सबसे पहले प्रेफर अपनी बिजनेस लिस्टिंग को ही करेगा, क्योंकि वो उसके प्लेटफॉर्म पे है। तो आपके पास में तीन ऑप्शन हो जाते हैं। पहला ऑप्शन स्टैटिक वेबसाइट जो कि सस्ती है, सुंदर दिख सकती है और आपका डेकोरम बना सकती है, लेकिन वहाँ से आप ज़्यादा रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। दूसरा आ जाता है डायनेमिक वेबसाइट जिसपे अच्छा खासा ट्रैफिक लाने के लिए SEO वर्क हो रखा हो या चालू रहे, निरंतर खर्च करना पड़ता है। साल का मिनिमम आप 40-50 हज़ार रुपये का इसका बजट मान के चलें, तब जा करके वो आपको रिजल्ट दे पाएगी। और तीसरा ऑप्शन है मध्य मार्ग, यानी कि न तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं और न आप एकदम खाली डेकोरम के लिए काम करेंगे, वो मध्यम मार्ग हो जाता है आपका बिजनेस लिस्टिंग। बिजनेस लिस्टिंग बहुत सारी चीज़ों को अपने में सहेजे है, वहाँ पे आपका गूगल मैप भी जुड़ा होता है, वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर भी जुड़ा होता है, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले करने की सुविधा है, आपको क्या रिव्यूज़ मिल रहे हैं, क्या रेटिंग्स मिल रही है, वो भी ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है। आप अपने बिजनेस को लेकर के नए नए अपडेट्स भी एज ए ब्लॉग वहाँ पे डाल सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन अगर चूज करते हैं तो हमारी टीम ये तीनों ही काम करने में सक्षम है। तो एक बार सेवा का मौका दें, 1-to-1 बात करें, कॉल करें, व्हाट्सअप करें और हम आपको आपके बिजनेस को एनालाइज करके जो सबसे सही समाधान आपके लिए हो सकता है वो बताएंगे। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार।